मध्य प्रदेश में विकास यात्रा को लेकर विरोध शुरू हो गया है। परासिया में कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीक ने विकास यात्रा का विरोध करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विधायक का कहना है कि ये विकास यात्रा कम और भाजपा की प्रचार यात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है। यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा दिख रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी कम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शासकीय कार्यक्रम विकास यात्रा को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया है। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से भाजपा की विकास यात्रा शुरू हो चुकी है जो 25 फरवरी तक चलाई जाएगी, जिसका विरोध करते हुए परासिया कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। विधायक का कहना है कि ये यात्रा विकास यात्रा है या प्रचार यात्रा, इस यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी कम। इस यात्रा में प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, हितग्राहियों को प्रदान किए गए लाभ की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है। इस विकास यात्रा को शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शासकीय तौर पर संचालित कर प्रचार प्रसार किया जाता है और कार्यक्रम के आयोजन में शासकीय राशि का उपयोग किया जा रहा है। वाल्मीक ने कहा, देखा जा रहा है कि शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा विकास यात्रा में भाजपा के झंडे, बैनर, गमछे व अन्य सामग्री लेकर भाजपा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और विकास यात्रा के लिए बनाए जा रहे शासकीय मंच के माध्यम से भाजपा के नेताओं द्वारा भाषणबाजी कर कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को भला बुरा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कार्यक्रम विकास यात्रा को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया है जो शासन के दिशा निर्देश के विरुद्ध है, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आदेश निकाला कि उनके जो विकास है और विकास की यात्राओं को निकाला जाए और उसमें शासन की योजनाओं को प्रचारित प्रसारित किया जाए और जो हितग्राही हैं उनको लाभ देने का भी काम करें। मगर जिस तरीके से परासी विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया उसका यात्रा का, और ये शासन की योजना का लाभ को देने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो मंच लगा के शासन की योजना का, शासन की राशि का मंच लगा के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, जिसका विरोध हमने आज सबने मिलकर किया है। और ये विकास यात्रा को जिस तरीके से गुमराह करके गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यदि इसमें रोक नहीं लगाई तो हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग सब मिलकर काले झंडे दिखाएंगे और विरोध दर्ज करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।